हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाडा एक्सेल। सुबह ये अभी सुबह के बज रहे हैं, सुबह के 7:10 हो रहे हैं गाइस। तो भाई अभी हम निकल रहे हैं बस राइड के लिए बदायूं टू टुंगनाथ, जैसे कि मैंने आपको अपडेट्स में बताया भी था इंस्टाग्राम पे। तो भाई बस हम ऑलमोस्ट तैयार ही हैं, देख सकते हो भाई, बस नीघाट एलोघाट बांधना बाकी है और निकलते हैं। बाइक भी अपनी लोडेड है, चलो दिखाते हैं, बाइक खड़ी है बाहर। तो गाइस देख सकते हो अपनी बाइक भी पूरी सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने पीछे हमने अपनी वो भी लगा दी प्लेट, ये देख सकते हो। बस भाई ऑल सेट, निकलते हैं बस राइड के। तो गाइस मिलते हैं सीधा बाइक पर और निकलते हैं राइड के लिए। फर्स्ट हम यहाँ से जाएंगे अनिकेत के पास, अनिकेत को उठाएंगे, देन हम अनिकेत के यहाँ से आर्म 5 लेके और हम जाएंगे फिर अनमोल के पास, कश्यप ब्लॉग्स के पास। तो गाइस बस निकल ही रहे हैं, ठंड में बाइक थोड़ा कोल्ड स्टार्ट हो रही है क्योंकि वो पिकअप नहीं लेती है। तो गाइस देख सकते हो अपना बोर्ड भी पीछे लग गया है, फिट एंड फाइन। बस गाइस निकलते हैं, चल गेट लगा लिए, सब दरवाजे बंद कर लियो, ठीक है। चलो गाइस ग्लव्स पहन लेते, भाई गिर गए जी यहीं पे, घर से थोड़ा दूर चलते ही, कुछ दूर चलते ही ग्लव्स गिर गए। चलो फिर सीधा अनिकेत के यहाँ निकलते हैं यहाँ से। बस गाइस राइड अपनी कंटिन्यू होती है, बोलो जय महाकाल, सॉरी। तो गाइस अपनी राइड यहीं से कंटिन्यू होती है। तो गाइस मजा आ जाता है सुबह सुबह राइड पे निकल के, बस भोलेनाथ ये राइड अच्छी जाए। मैं सीधा यहाँ से जा रहा हूँ अपने घर से, अनिकेत के घर, अनिकेत के घर मिलते हैं। भाई गाइस विंड ब्लास्ट ना आ रहा हो, बस इसी चीज़ का मुझे डर है थोड़ा सा, बाकी मेरी कोई चीज़ रही तो नहीं है घर पे, गॉड ना ही रहा हो कुछ भी। चार्जर मैंने रख लिया या नहीं, हाँ चार्जर रख लिया था मैंने, और कुछ भी, और कुछ और कुछ और कुछ, पेपर्स भी सारे रख लिए बाइक के। तो गाइस चलो मिलते हैं सीधा अनिकेत के घर पे। और तो गाइस अनिकेत के घर पहुंच गए हैं, तो ये देख सकते हो भाई अपना छोटा हाथी बाइक लोड कर रहा है, मतलब अनिकेत भाई अपना प्लेट टंग रही है, वो भी पता नहीं कैसे जुगाड़ से क्या बांध रहा भाई, तार बार मेरा देखियो कितना कैसे बांधा है। मेरे में दो हुक लगे हैं जी वाले, हुक लगे हैं मेरे में, अरे नहीं मेरे घर पे पड़े थे वो वाले हुक है। मैं नमस्ते आंटी जी सब। तो गाइस देख सकते हो दोनों बाइक खड़ी है अपनी, डिस्कवर 125 एंड आर्म 5 वो की लोड हो चुकी है पूरी, बस अनिकेत कपड़े पहनने गए। तो गाइस यहाँ से निकलते हैं सीधा अनमोल के यहाँ पहुँचते हैं, अनमोल को उठा के सीधा राइड कंटिन्यू करते हैं, फिर एक स्टॉप रास्ते में लेंगे, जैसे जैसे स्टॉप लेंगे आपको अपडेट देते रहेंगे गाइस। चलो फिर मिलते हैं सीधा अनमोल के यहाँ पे, यहाँ अनिकेत थोड़ा लेट करेगा, तब तक क्या ही करूँ मैं, बकचोदी करता हूँ बाहर। चलो गाइस फिर निकलते हैं अनिकेत के यहाँ से सीधा। अनिकेत आ गया भाई, देख रहे हो गाइस आप, लगा कि भाई हाँ राइड पे निकले हैं गाइस। मैं पानी में नहीं दूंगा भाई, मैं पानी में ना दूंगा, मैं नहीं दूंगा पानी में किसी भी कीमत पे। तो गाइस बंद हो गई, मैंने बोला ही था कोल्ड स्टार्ट भी नहीं करी अभी एकदम से, रेस मत दे खाली सेल मार। हाथ लगाते ही स्टार्ट, देख धुआं मार रही पीछे, धुआं धुआं मार रही धुआं, ओ शिट। चलो फिर कोई दिक्कत ना, अपनी तो एक साल में स्टार्ट हो गई गाइस, कार्बोरेटर गाइस खींच दी भाई ने, लेकिन हम नहीं खींच पाएंगे बिकॉज ऑफ 125 गाइस। तो भाई सीधा अनमोल के यहाँ निकल रहे हैं यहाँ से भाई। ओ हो, थोड़ा हैंडल बॉबल करता है बाइक का, प्रॉब्लम ये नहीं दिखा पाया हूँ मैं, पता नहीं क्यों करता वो, हो पीला पीला सब कुछ दिख रहा गाइस बाइक, बस ए ध्यान से चलो भाई। अनिकेत की प्लेट सही दिख रही है पीछे वाली, जो कि बताएं तो टुंगनाथ बनवाई है। हाँ सब ठीक, अरे सही भाग रही है डिस्कवर यार, कोई प्रॉब्लम ही इच्छ नहीं है भाई। और भाई आज भोलेनाथ की कृपा से कोहरा भी नहीं है, नाइट में इतना विकट कोहरा था इतना कि भाई हमें लग ही नहीं रहा था सुबह में इतना अर्ली मॉर्निंग निकल पाएंगे और इस कोहरे से बच पाएंगे भाई, लेकिन क्या बात है आज, बादल जरूर है थोड़ा मौसम ख़राब है बट कोहरा बिल्कुल नहीं है, ये थोड़ा अच्छा हुआ आज हमारी राइड के लिए। और गाइस ठंड भी उस हिसाब की नहीं है कि एकदम, हो सकता है मैं पूरा कवर्ड हूँ इसलिए नहीं लग रही हो मुझे, बट हो सकता है रियल में भी नहीं हो ठंड।
आया अनमोल के एरिया में एंटर हो चुके हैं गाइस। ये खड़बड़ी खड़बड़ी रोडों से मैं बहुत ही परेशान हूँ। दिस इज हर्ट्स। अभी आगे और भी खराब है रोड इसका यार, इसने बहुत परेशान करा है। तो गाइस देख सकते हो ये अपना खड़ा गट्टू मल, जिसकी हेडफोन बरेली तक उड़ जाएगी क्योंकि वो बाहर लटक रही है। और ड्यूक भी पूरी लोडेड है, FZ लग रहा जा नहीं रही है। क्यों भाई, हेलो, लगता है FZ कैंसिल हो गई। FZ कैंसिल हो गई, पेट्रोल पंप पे खड़ी है ये गाइस। अपनी फोर्थ बाइक पेट्रोल पंप पे खड़ी है। और गट्टूमल की हाल चे थोड़े कागज है, काय कागज जमीन के। चलो फिर गाइस यहाँ से निकलते हैं, सीधा फ्यूल अप कराते हैं बाइक में। और बाकी दुनियादारी छोड़ो, यहाँ पे बस इंट्रो चल रहा है अपना, बस फ्यूल अप कराता हूँ मैं तो भाई, मिलूंगा सीधे इन्हें करने तो जो कर रहा हूँ। तो गाइस निकल लिए हम राइड के लिए भाई, बस अपने बदायूं से टुंगनाथ के सफर पे भाई। बस अभी फ्यूल अप कराते हैं आगे, तो भाई देख रहे हैं मुड़ के अपने को। तो गाइस निकलते हैं यहाँ से, सीधा फ्यूल अप कराते हैं। दो बाइक अपनी आगे जा चुकी हैं, मेरे पीछे बैठा सानू और ये इंडिकेटर दे रहा है घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही मार देता हमको भी। चुर भाई, आज कोहरा तो नहीं है गाइस, लेकिन बट बौछार बहुत तगड़ी है भाई, फुहार पड़ रही है एकदम पानी की। ऐसा लग रहा है बस विंड ब्लास्ट ना आ रहा हो गाइस, बहुत मेहनत करके माइक फिट करा है मैंने हेलमेट में, बस विंड ब्लास्ट की प्रॉब्लम ना आ रही हो वही बेटर होगा भाई। चलो फिर, तो गाइस फ्यूल अप हो चुका है, बस बाइक अपनी सारी सेट हैं। ये देखो गाइस बाइक अपनी सारी सेट हैं, निकलते हैं बस। तो गाइस बस निकलते हैं राइड के लिए, सब कंप्लीट हो चुका है मैटर। तो मैं लीड करूंगा H2 वाला राइडर, मैं हूं H2 राइडर, इन छपरियों को लीड करूंगा। आ जाओ छपरी राइडर्स। कंट्रोल उदय कंट्रोल। तो गाइस निकलते हैं सीधा बरेली की ओर, बरेली से हम प्रस्थान करेंगे नैनीताल हाईवे पर। हम लोग नैनीताल हाईवे होते हुए जाएंगे हल्द्वानी होते हुए टुंगनाथ। तो भाई FZ थोड़े रौले में है अभी स्टार्टिंग से ही। हाँ बस निकल ही लिए गाइस, भाई दो राइडर्स हमारे पीछे हैं। टक 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 टक, ये ब्रेकर्स थोड़े मेरे को मज़ा आता है हल्की स्पीड में। साला एग्जॉस्ट पे डीवी क्लर भी नहीं लगाया है, साला सीधा एग्जॉस्ट लेके जा रहा है, विदाउट डीवी क्लर एग्जॉस्ट लेके जा रहा है ये गाइस। टुंगनाथ इसका चालान कट गया तो ये एक राइड पे कंटेंट मिल जाएगा गाइस। गाइस अपनी बाइक फुल्ली लोडेड है, बस ऐसा रिएक्शन आ रहा है पब्लिक का, मजा ही आ गया भाई। डिस्कवर सही परफॉर्म कर रही है, कोई नो प्रॉब्लम कोई है ही, मतलब तगड़ी प्रॉब्लम नहीं है गाइस। टक 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 टक, हाँ डबल पे मजा आ जाता है भाई, कोई नो प्रॉब्लम, डबल पे गाड़ी कूदती नहीं है ज़्यादा। तो गाइस मिलते बीच बीच में अपडेट देते रहते हैं। भाई ऐसा है कि कोहरा बहुत ज़्यादा है, इस कोहरे में ना तो मेरे लिप चल पा रहा है भाई, और ना ही अपना, तो मैं पूरा कवर्ड हूँ भाई, देख सकते हो फुल्ली कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तो बात दिक्कत ये है मेन कि कोहरे में मुंह नहीं चल रहा है, मेन बात ये है, तो मैं बोल नहीं पाऊँगा ज़्यादा। हम बरेली में एंटर कर चुके हैं भाई, और शेट मुझे यार ये ना फ़ोन वाले ब्लॉगर्स की यही दिक्कत होती है मेन, कि साला फ़ोन चालू करने के लिए ग्लव्स पहनो, फ़ोन चालू करने के लिए ग्लव्स उतारो, मैं पीछे रह गया, सारे अपने बाइकर्स आगे निकल गए। तो भाई बरेली पहुंच गए हैं, अब बरेली से आओ शेट, मेरी नंबर प्लेट आवाज़ कर रही है, पता नहीं है आगे वाला प्लेट में कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन की वजह से झरझर कर रही है। तो गाइस हम बरेली एंटर कर गए हैं, बरेली से बाहर निकल के कहीं रुकते हैं थोड़ी देर के लिए ढाबे पे। बीच में तो बरेली में नहीं रुकने का, क्योंकि बीच में ढाबे क्या रेस्टोरेंट होंगे, ढाबे तो बाहर रोड पे ही होते हैं। तो निकलते हैं गाइस अभी, वो यार आगे निकल गए राइडर्स, उनको पहले कवर करता हूँ थोड़ा। चलो गाइस मिलते हैं बरेली क्रॉस करके कहीं ढाबे पे, चाय की सुटकियों के साथ, चाय की चुस्कियों के साथ, सॉरी। तो गाइस हम लग गए हैं अब नैनीताल हाईवे पे, बरेली क्रॉस कर लिया। ओहो नो 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 ब्रो, ये मत करो, ये हैंडल बहुत गंदा है इसका, बॉबल कर रहा है भाई। ओहो कितनी खेचम खाँच मचा रहा है ये गटुआ भाई, आराम से ये रोड क्रॉस करने वाले, देखो ना माने यो ना माने भाई, ये या तो कर ही ले मार तीज की थी, ऐसे एंटर मारा ट्रक ने और हमारी घर फट गई। ओ तो गाइस ये इसी साइड पर रहेगा, अपन को लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा।
तो गाइस थोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे यहाँ पे, भाई देख सकते हो पीछे सारी बाइक खड़ी है, सारे राइडर्स भाई थोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे मोहित जी के ढाबे में, अपने ढाबे पे भाई देख सकते हो, बस चाय और पराठे वगैरह खा के यहाँ से निकलते हैं। चलो भाई भाई ठंड बहुत रुके थे खा के चलना भाई देख सकते हो भाई। हाँ भाई चलो सर निकलते हैं स्टोरी स्टोरी डाल के। तो गाइस पराठे आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, सब लोग बैठे हैं भाई, बुधे को छोटा हाथी ने पेलना भी शुरू कर दिया, सबके साबित हैं भाई, सिर्फ वो अकेला ही पेल चुका है, वो देखो वो तो यार डिस्कशन चल रहा है गाइस। चलो छोड़ो ये डिस्कशन, तो अपने ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं फिर निकलते हैं राइड पे। चलो गाइस मिलते हैं फिर ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद राइड पे कंटिन्यू, ठीक है। तो गाइस चाय नाश्ता कर लिया है, ब्रेकफास्ट हो गया अपना, बस अब खींचते हैं बाइक सीधा हल्द्वानी के लिए। भाई सारे राइडर्स आगे निकल गए, मैं थोड़ा पीछे रह गया फ़ोन माउंट करने के चक्कर में। बस गाइस ये भाई क्या खींची है डिस्कवर सिंगल पे यार, अभी तक मेरे पीछे सानू बैठा था इसलिए मैं बाइक को भगा नहीं रहा था, अब मैंने बाइक सानू शिफ्ट हो गया अनमोल की ट्यूब पे। ये लोग यहाँ रुके काय के लिए हैं गाइस, क्या हुआ भाई लोग, अरे फोन लगा रहा हूँ यार। चलो गाइस बाइक लेट हो गए भाई, जी भाई अरे बिल्कुल भाई, अभी सही बताऊँ तो अभी कपाट नहीं खुले होंगे वहाँ के, नॉर्मल मंदिर अभी बंद होगा, भोलेनाथ वहाँ पे होंगे नहीं, टेंपल होगा खाली बस वहाँ पे, नहीं नहीं दानपत्र होगा क्या वहाँ पे यार, टुंगनाथ के बाहर दानपत्र होगा क्या, हो सकता है दानपत्र तो होगा यहाँ तक है, बिल्कुल भाई। साइड में आ जाओ, तो भाई प्रसाद के लिए बोल रहे थे, कह रहे तुम टुंगनाथ जा रहे हो तो हमारा प्रसाद चढ़ा देना। नाम आपका भाई? अभिषेक गौर। ठीक है भाई, हाँ 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 आगे चल रहा हूँ। ठीक है भाई, राम राम, जय श्री राम भाई। चलो भाई, भाई ने 100 रुपये दिए वहाँ टुंगनाथ दान पात्र में डालने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो अब गाइस निकलते हैं सीधा हल्द्वानी मिलते हैं, अभी फ़ोन रखते हैं साइड पॉकेट में। तो गाइस यहाँ के नज़ारे देख सकते हो भाई, हम एंटर कर गए हल्द्वानी रोड पे, भाई यहाँ के बिकट भाई साहब क्या ही व्यू है, देख सकते हो चारों तरफ जंगल ही जंगल, और राइडर्स अपने आगे निकल गए रील बनाने के चक्कर में, एकदम मस्त वाली। मैं खींचता हूँ अपनी बाइक भाई, मीटर आज मैंने देखा उठा हुआ भाई, मेरी डिस्कवर का मीटर ये देखो फ्यूल वाला, मैंने आज तक सारा उठा हुआ नहीं देखा यार। ये तो बिल्कुल चमत्कार ही हो गया भाई, मैंने मीटर सारा आज तक उठा हुआ नहीं देखा अपनी बाइक का। तो गाइस हम पहुँच गए हल्द्वानी भाई, बस अभी एक फ्रेंड को देखने जा रहे हैं, डॉबी, डॉबी को आप जानते ही होंगे जो कि हमारे साथ पहले राइड करता था, R5 डॉबी, जिसकी बाइक का नाम था फ्लैश भाई, तो उसका आपको पता होगा, आपको मैं आई थिंक मैंने पिछले ब्लॉग्स में आपको बताया नहीं कि उसका हो गया था एक्सीडेंट, जिसकी वजह से उसका एक हाथ काम करना बंद हो गया था ड्यू टू उसकी नशों में। अरे यार क्या अचानक ये टिजरी वालों ने बड़ा आतंक कर रखा साला हर जगह, उसकी राइट साइड के हाथ की नसें उखड़ गई थी गले से, गले के साइड से कनेक्टिंग से, तो भाई उसका वहीं का ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे हल्द्वानी में हॉस्पिटल, शायद आई थिंक पहुँच भी गए। तो गाइस सामने देख सकते हो आपको पहाड़ दिख रहे होंगे भाई, बस यहीं सामने से पहाड़ों पे चढ़ाई स्टार्ट है और हम एंटर कर जाएंगे माउंटेन एरिया में, हिल्स एरिया में। तो भाई बस हल्द्वानी का एंड है, हम डॉबी को देख के निकल लिए हैं, आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि वहाँ यार ब्लॉग बनाना ठीक नहीं था, फैमिली वाले भी थे बोलते साला ब्लॉग बनाने आए हैं यहाँ पर मिलने आए हैं। तो गाइस हम पहाड़ों पे एंटर कर चुके हैं, देख सकते हो नज़ारे भाई, एक छपरी राइडर हमारे साथ ज्वाइन हो गया है आरसी वाला, पता नहीं गदर काट दिया भाई ने, एकदम लीन मारता हुआ निकल गया, हम बस एकदम नॉर्मली राइड करते हुए जा रहे हैं, वो कार वाले ने खिड़की खोल दी, देखो वो जा रहा है, जाने दो गाइस नो प्रॉब्लम। पहाड़ों पर गाइस ज़्यादातर एकदम टिप टॉप हेलमेट वाला बंदा मिलेगा तुमको, टिप टॉप हेलमेट लगाए हुए एकदम प्रॉपर राइडिंग गियर्स तो नहीं, मतलब हेलमेट तो प्रॉपर लगाते ही अच्छा वाला।
क्या सुंदर व्यू है भाई, यही तो मजे है पहाड़ों के भाई, तभी तो बंदा बार बार पहाड़ों पे आता है। लेकिन पहाड़ों पे एक रूल है भाई, बिना ध्यान से देखे एकदम ओवरटेक नहीं करने का, दूसरी लाइन में जाके सामने से या तुम उड़ोगे या तुम्हें भी उड़ा देगा, वही बात वही पड़ रही है भाई साहब। क्या व्यू है यार, इतने ब्यूटीफुल पेड़। ओहो ये FZ अपनी अपने ग्रुप का ही है भाई, खेच दी गाइस, मैंने डिस्कवर बहुत हो गई, मैं साला लीन करना नहीं चाह रहा था गाइस। तो गाइस अपन भीमताल पहुंच गए हैं, देख सकते हो मेरे राइट साइड में भीमताल है, हम भीमताल वाले रूट से जा रहे हैं टुंगनाथ। तो गाइस देख सकते हो भीमताल के क्या हाल है भाई, ऐसा सा है कुछ भीमताल। गाइस देख सकते हो भाई चारों तरफ वादियां ही वादियां गाइस, और वो एक नया आइटम उसके अंदर लोटपोट हो खाली, बस केस ख़त्म। बस भाई यहाँ थोड़ा ऐसे ही रुके थे, अब चलते हैं यहाँ से सीधा अपने डेस्टिनेशन की ओर, थोड़ा रेस्ट कर लें भाई। तो फाइनली गाइस हम रुक चुके हैं भवाली से थोड़ा आगे, थोड़ी बस खाली ऐसी खाने वाने के लिए रुके थे गाइस, यहीं पे रुके हैं, खाना खा के निकलते हैं। सारी बाइक खड़ी हैं मेरी, वो खड़ी बहुत तगड़ी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी डिस्कवर में, बढ़िया चल रही है एकदम। R15 से आगे ड्यूक और अपनी FZ। तो भाई खाना वाना खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से, स्टे लेंगे कहीं ढंग से। तो गाइस फाइनली अपना खाना हमने खाना वाना खा लिया, बस निकलते हैं। अब देखो पीछे इस वाले ढाबे पे खाना खाया था रेस्टोरेंट पे। तो गाइस भाई क्या रही, मजा आ गया भाई? मजा नहीं आया तुम्हें यार, तुम लोग बहुत सुस्त हो यार। हाँ भाई चले, चलो कैसा रहा खाना? बढ़िया बढ़िया, कैसी रही? चलो भाई चलते हैं, ठीक है निकलते हैं फिर, स्टे लेंगे अभी रानीखेत वगैरह चल के कहीं पे भी। गाइस थोड़ा मौसम खराब हो रहा, वहाँ देख रहे हो मंदिर के गजब है भाई। ओहो हाँ क्या कह रहे हो भाई, कौन सी रानी का खेत? अरे रानी खेती करेगी, किसान है, किसान थोड़ा, ये रानी है। चाचा व्हाट आर यू डूइंग वेल? चाचा डूइंग दो नंबर। चाचा नॉट डूइंग दो नंबर। अरे भाई कितना बड़े बड़े पत्थर है गाइस, ओ माय गॉड, ऐसे लग रहा है पहली बार पहाड़ पे हूं मैं। अरे बंदर तू बड़ा शैतान आदमी है, अगर ये बंदर मैं पत्थर उठाए तो देख उसका बच्चा है बंदर यार। तो गाइस कुछ ऐसे से हाल है अभी रानीखेत रुके हैं, तो गाइस रानीखेत स्टे करा है, देख रहे हो भाई साहब कैसे पड़े हैं, और हम इनके लिए लेके आए चाय, हम और अनमोल जाके, और भाई साहब यहाँ अपने अपना बिस्तर ग्रहण कर लिया सबने, इतने थके हुए हैं, जो पीछे बैठने वाला जी भी थक गया। तो लौंडे में काम काफी पड़ा है, गाड़ी धक्का दिलवाई थी हमने पहाड़ों पे से, देख रहे हो सगल भाई सालों की। तो गाइस हमने स्टे तो गाइस हमने स्टे लिया एक धर्मशाला में, जो कि टेंपल की धर्मशाला है भाई, बाहर भजन हो रहे हैं, भजन काफी यहाँ पे अच्छा लग रहा है, रूम का माहौल काफी बढ़िया है, भजन सॉन्ग भी जलाला जाहिल कह रहा सॉन्ग चल रहा। जे जाएंगे टुंगनाथ, जे जाएंगे बताओ भोलेनाथ। तो गाइस बाहर भजन चल रहा है अपन, तो गाइस अभी बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको, कितना ही बढ़िया व्यू है भाई। अभी यहाँ से निकलते ही सीधा बालकनी से मंदिर दिखता है। तो गाइस यहाँ पूरा सिस्टम बैठा लगता है लड़कों, देखो एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह सब यहाँ पे लगा भाई, बस अभी लेटने की तैयारी है बिस्तर पकड़ने की, भाई ठंड काफी हो रही है। तो गाइस देख सकते हो बाहर के कितने बढ़िया व्यू है, देख रहे हो गाइस मंदिर है बाहर कितना सुंदर सा। यहाँ पे ना थोड़ा जाली लगी हुई है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सही नहीं दिख रहा, यहाँ से दिखेगा, देखो कितना ही बढ़िया मंदिर है बाहर, देखो है ना मस्त एकदम मनमोहक दृश्य, वो शिव जी बैठे सामने, ये देख सकते हो भाई रानीखेत में काफी सही स्टे हो गया। गाइस इस स्टे का कॉस्ट रहा हमें 100 rupees पर पर्सन भाई, 600 rupees में ये पूरा रूम हमने ले लिया है भाई, सब पड़े हैं लाइन से। तो गाइस अपने भी लेटने की तैयारी करते हैं, अभी इस ब्लॉग को यहीं पे बधाई टू टुंगनाथ सीरीज के, इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो यहाँ से हम सुबह मॉर्निंग निकलेंगे टुंगनाथ के लिए, छोटा स्टे लेंगे फिर नेक्स्ट डे ट्रैक करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, बाय।